गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए विशेषण का एक और अभ्यास। पिछले मॉड्यूल में हमने आपको बताया कि विशेषण क्या होते हैं, विशेष्य और विशेषण के अंतर को भी समझाया कि किन शब्दों को हम विशेष्य बोलते हैं और विशेषण क्या होते हैं। यानी कि हमने इतना समझ लिया है कि संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं और विशेषण जिनके बारे में बताते हैं वो विशेष्य कहलाते हैं। तो ये हमने जान लिया है। अब बात करने जा रहे हैं आज हम विशेषण के भेद कितने होते हैं। तो ये हम देख चुके हैं कि विशेषण के चार भेद होते हैं। वो होते हैं गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। तो यहाँ पर सर्वनाम के, जैसे कि विशेषण के जो हम कह रहे हैं चार भेद हैं गुणवाचक, तो ये कौन कौन से होते हैं, इनको पहचानेंगे कैसे? तो चलिए एक एक की चर्चा कर लेते हैं कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है। इस विशेषण के अंतर्गत वो वाले विशेषण आते हैं जिनमें किसी भी चीज़ के बारे में, उनके गुणों के बारे में बात की जाती है कि वो कैसा है। अब कैसा के अंदर उनका आकार कैसा है वो भी आ सकता है, उनका स्वाद कैसा है वो भी आ सकता है, उनका रंग कैसा है वो भी आ सकता है, उनकी स्थिति कंडीशन कैसी है वो भी आ सकता है। तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत किसी भी चीज़ के बारे में उसके रंग, आकार, स्वाद, उसकी शेप, उसकी स्थिति, उसकी अच्छाई बुराई सब कुछ आ जाता है गुणवाचक विशेषण में। अब बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में सबसे आसान होता है संख्या देखकर पहचानना। जहाँ पर भी किसी चीज़ की संख्या के बारे में बात की जा रही हो तो संख्यावाचक विशेषण होता है। हम बोलते हैं चार पुस्तकें, 40 बच्चे, 15 लोग, तो 40, 15, 4, ये सब संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। फिर आ रहा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण भी संख्यावाचक से कई बार मिलता हुआ ऐसा लगता है, लेकिन परिमाण में क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण का मतलब होता है मात्रा, क्वांटिटी, नापना। जो चीज़ हम नाप तोल कर जिनके बारे में बात की जाती है वो परिमाणवाचक विशेषण में आता है। जैसे हम कहते हैं 2 लीटर दूध, 1 मीटर कपड़ा, 4 मीटर की साड़ी। तो कपड़ा और दूध और तेल ये सब हम लीटर मीटर में नापते हैं। तो ऐसे वाले शब्दों को जो 2 किलो चीनी तो 2 किलो, 2 लीटर दूध 2 लीटर, तो ये लीटर मीटर वाले शब्द किस में आते हैं, परिमाणवाचक में आते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि 2 और 4 लिखा हुआ है तो संख्या ही हो, क्योंकि हमने बोला 2 लोग तो वो संख्या है, और हमने कहा 2 मीटर दूध 2 मीटर कपड़ा तो वो परिमाणवाचक में आएगा। तो 2 संख्या देख के नहीं जाना है कि वो संख्या है परिमाण, हमें ये देखना है कि वो नापतोल वाला शब्द तो नहीं है। अगर नापतोल वाला शब्द है तो परिमाण में जाएगा। अच्छा, कोई और कुछ, ये वाले शब्द संख्यावाचक में भी आते हैं, परिमाण में भी आते हैं। अगर हमने कहा कुछ लोग खड़े हैं, क्योंकि हम लोगों को गिन सकते हैं तो वो संख्यावाचक में आएगा। लेकिन हमने कहा कुछ खाना पड़ा है, कुछ खाना बचा है, तो खाने को गिन नहीं सकते तो वो परिमाण में जाएगा। तो कुछ शब्द संख्या में भी चला जाता है और परिमाण में भी चला जाता है। लास्ट में आया है सार्वनामिक। तो सार्वनामिक विशेषण होते हैं जो सर्वनाम की तरह प्रयोग किए जाते हैं। हम बोलते हैं यह बोर्ड, कौन सा बोर्ड, ये वाला बोर्ड, तो यह शब्द क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। फिर हम बोलेंगे वे लोग, कौन से लोग, वे लोग, तो ये भी सार्वनामिक विशेषण होगा। तो इस प्रकार गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं, जो किसी की अच्छाई बुराई गुण दशा को दर्शाते हैं। संख्यावाचक होते हैं जो किसी की संख्या को दर्शाते हैं। परिमाणवाचक जो क्वांटिटी मात्रा की बात करते हैं। सार्वनामिक यह वह ये वाले शब्द होते हैं। एक एक उदाहरण लिख देते हैं गुणवाचक में। लाल चश्मा, तो यहाँ पर लाल शब्द क्या हुआ, गुणवाचक विशेषण। ठीक, संख्यावाचक में क्या किया, 2 चश्मे। तो अगर मैंने लाल चश्मा बोला तो लाल गुणवाचक होगा, 2 चश्मे बोला तो 2 संख्यावाचक होगा, और परिमाणवाचक में बोलेंगे थोड़ा पानी, तो पानी कितना है, थोड़ा, तो थोड़ा हुआ परिमाणवाचक। और सार्वनामिक में बोलूंगी यह चश्मा कौन सा होता है, यह वाला, तो यह और वह सार्वनामिक विशेषण है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुणवाचक में अच्छाई बुराई की बात हो रही, संख्यावाचक में संख्या की बात हो रही, सार्वनामिक में वो बताते हैं सर्वनाम को विशेषण की तरह प्रयोग करते हैं, और परिमाणवाचक में किसी चीज़ के नाप को या क्वांटिटी की बात होती है। तो
तो इसे दोहरा लीजिएगा अच्छे से। इसके विभिन्न उदाहरण आपको हम ऑलरेडी दे चुके हैं, आप स्वयं उदाहरण लिखिएगा ताकि आपको ये आसानी से समझ में आए। हम मिलेंगे आपसे अगले अभ्यास के साथ अगले मॉड्यूल में, तब तक के लिए ठीक है।